अज़ीज़ तालिबा अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने ग्रामर के कुछ हिस्से पढ़ लिए हैं। अब आज से हम क़िस्मुन नस्र या प्रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे। आज के सबक में हम जो पहला दर्स है या पहला जो सबक है उसमें दी गई कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे। इस सबक में कुरान और अहदीस दोनों के छोटे छोटे जुमले मौजूद हैं, तो हम हर जुमले को पहले उसके लफ्ज़ के हर हर लफ्ज़ का माना देखेंगे और उसके बाद में उसके तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सबक में क्या कहा जा रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं, ये मैंने हमारा जो दर्सी किताब का पहला सबक है वो है। इसमें मैंने ब्लैक पेन से जो अल्फाज लिखे हैं वो हमारे टेक्स्ट हैं। रेड पेन से हर लफ्ज़ के नीचे उसके माने लिखे गए हैं और ब्लू पेन से उस जुमले का तर्जुमा है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे, बाक़तुन मिनल क़ुरआनिल करीमी वल अहादीसिन नबुवियती। बाका बूके को कहते हैं, यानी गुलदस्ता यानी फूलों का मजमुआ। मिन मतलब से, मिन हरफ़ जर है, लिहाजा उसके बाद जो भी इस्म आएगा वो मजरूर होगा या हालत जर में आएगा, यानी उसके आखिरी हर्फ पर एक ज़ेर या दो ज़ेर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुरान के आखिरी हर्फ पर हमने ज़ेर लगाया है, इसलिए कि ये हरफ जर के बाद आ रहा है। और अल करीम जो है तो कुरान की सिफत है, इसलिए ये भी हालत जर में आएंगे। सुपर सिफत बिल्कुल एक जैसे होते हैं और एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। वाह मतलब और, वाह हरफ अत्फ है। हरफ अत्फ का मतलब ये कि ऐसा लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है। अल अहादीस, अहादीस मतलब अहादीस, हदीस की जमा है। अन नबविया मतलब नबवी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली। तर्जुमा क्या करेंगे इसका, कुरान करीम और अहादीस नबविया का गुलदस्ता, यानी जिस तरह गुलदस्ता बनाने के लिए चुनिंदा फूल का इस्तेमाल किया जाता है, चुन चुन कर फूल लिए जाते हैं, तो इसी तरह इस सबक में भी कुरान और हदीस से चुन चुन कर आयतें ली गई है और उन आयतों को गुलदस्ते की तरह आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले मिनल कुरआनिल करीमे, मिन मतलब से, अल कुरआनिल करीम कुरान करीम, कुरान करीम से यानी कुरान करीम से ली गई जो आयतें हैं तो उनको हम देखेंगे। पहला जो जुमला है, अतअमुरूना नासा बिल बिर्री व तनसौना अनफुसकुम। आ मतलब क्या, तअमुरूना तुम हुक्म देते हो, तअमुरून ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। आप लोगों को सीगा आप समझ में आने लगे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको देख के समझ गए होंगे कि ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, अन्नासा जो लफ्ज़ है वो हालत नस्ब में है, यानी उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर आएगा, इसलिए कि ये मफ़ूल बन रहा है तामुरूर का, तो मफ़ूल हमेशा हालत नस्ब में आएगा। बिल बिर्री, बी मतलब होता है से, साथ, अल बिर मतलब नेकी, बी जो है वह हालत वो हर्फ जर है, इसलिए इसके बाद आने वाला इस्म मजरूर होगा और उसके आखिरी हर्फ पर ज़ेर लगेगा। वा हर्फ अत्फ और, तनसौना तुम भूलते हो, तनसौना भी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तुम भूलते हो। अनफुसन, अनफुसा मतलब नफ्स की जमा है, अनफुस जानो को, कुम तुम्हारी, कुम जो है वो ज़मीर है जो जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होती है और सब्जेक्टिव या पॉजिटिव फॉर्म है ये ज़मीर का। अनफुसा में हम देख रहे हैं कि इसके आखिरी हर्फ पर ज़बर है, इसलिए कि तनसौना का मफ़ूल बन रहा है। तर्जुमा क्या होगा, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, यानी इसका मतलब ये है कि हमें जब लोगों को नेकी का हुक्म दे तो हम खुद भी उस पर अमल करें, ऐसा ना हो कि दूसरों को नसीहत करें और ख़ुद अपने आप को भूल जाए, बल्कि जिस चीज़ का हम लोगों को हुक्म दे रहे हैं वो खुद भी हमें करना है। दूसरा जो जुमला है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरू। वाह मतलब और,
माँ मतलब नहीं, अल हयात मतलब ज़िंदगी, अद दुनिया मतलब दुनिया, इल्ला मतलब सिवाय, मताउन मतलब सामान, और अल गुरूर मतलब धोखा। उर्दू में हम जो गुरूर लफ्ज़ है वो किसी और माने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में गुरूर का मतलब होता है धोखा। चूँकि जो गुरूर करता है वो अपने आप को धोखा ही देता रहता है, इसीलिए इसको हो सकता है कि उर्दू में इस माने में इस्तेमाल होने लगे। और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के। मताउल गुरूर में गुरूर जो है वो मुजाफ इलह है, और मुजाफ इलह हमेशा हालत जर में आएगा, इसलिए गुरूर के जो आखिरी हर्फ है रा, उस पर हमने जेर लगाया है। और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के। तीसरा जुमला है, वह अन तकूमू लिल यतामा बिल किस्ती। वह मतलब और, अन मतलब ये के, तकूमू तुम कायम करो, ये भी जमा मुजक्कर हाजिर का सेगा है। तकूमू तुम कायम करो, ली मतलब लिए, यतीम की जमा है यतामा, यतीमों के लिए। बी मतलब से, ये भी हालत इसके बाद का इसमें भी हालत जर में आएगा, इसलिए कि बी हरफ जर है, इसलिए किस्ती के जो ता है उस पर हमने जेर लगाया, बिल किस्ती इंसाफ से। तर्जुमा क्या होगा उसका? और ये कि तुम यतीमों के लिए इंसाफ कायम करो, यानी ये कि इस्लामी माशरे में, ये हमारे समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसके लिए इंसाफ से रहना है, इंसाफ कायम करना है, और ताकि एक भी बच्चा इस समाज का ज़ाया ना हो और उसकी सही तालीम तरबियत और उसकी सही परवरिश हो सके। व अन तकूमू लिल यतामा बिल किस्ती, और ये कि तुम यतीमों के लिए इंसाफ कायम करो। नंबर चार जो जुमला है, वला तसुब्बुल्लदीना यदउना मिन दूनिल्लाही। वा और ला मतलब नहीं, तसुब्बु जमा मुजक्कर हाजिर का सेगा है, तसुब्बु तुम गाली दो। ये ला के बाद जब तसुब्बु आ रहा है तो हम इसको फेले नहीं कहेंगे। फेले नहीं मतलब ऐसा काम, जिस ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी काम को ना करने का हुक्म दिया जाए, तो यहाँ पे एक काम को ना करने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लज़ीना उनको जिन्हें, यदऊना, यदऊना जो है लफ्ज़ वो जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वो लोग वो सब पुकारते हैं। मिन से, मिन जो है वो हरफ जर है, लिहाजा उसके बाद के आने वाला इस्म हालत जर में आएगा, इसलिए दूना के जो नून है उस पर हमने जेर लगाया। अल्लाह ही दूना का मजाक ले होगा, इसलिए अल्लाह के हाँ पर भी जेर लगाया गया है। और तुम उन्हें गालियाँ न दो जिन्हें वो लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, यानी ऐसा ना हो कि मुसलमान जो गैर मुस्लिम है वो जिनकी भी पूजा करते हैं या इबादत करते हैं, मुसलमान उन्हें गालियाँ दे, बल्कि अल्लाह ताला उसे ना करने का हुक्म दे रहा है और हमको इस बात से मना कर रहा है कि हमें किसी ऐसी शख्स को या किसी ऐसे बुत को या किसी भी चीज़ को गाली नहीं देना है जिन्हें लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं या उनको उनकी इबादत करते हैं। और इसकी वजह यह बताई गई कि ऐसा ना हो कि फिर वो पलट कर अल्लाह को गालियाँ देने लगे। नंबर पाँच, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा। या अय्युहा, इसे हम हरफ़ निदा कहते हैं। हरफ़ निदा कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जिसे किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी को बुलाने के लिए या किसी को मुखातब करने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बोला जाता है। तो या अय्युहा मतलब ए, अन नासु मतलब लोगो, लोग, कुलू खाओ, ये एक फेल अम्र है कुलू, जो जमा मुजक्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होगा। मिम्मा, मिम्मा एक्चुअल में दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है या दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मिन और मा। मिम्मा
मा मतलब जो के और मिन मतलब से। फी एक हर्फ जर है जिसका लफ्ज़ का तर्जुमा होता है मे। अल अर्ज मतलब ज़मीन। हलालन तय्यबन, हलालन कुलू का मफूल भी बन रहा है, लिहाजा इस वजह से वो हालत नस्ब में होगा और उसके आखिरी हर्फ पर दो ज़बर या एक ज़बर आना चाहिए। मफूल भी हमेशा हालत नस्ब में होता है, लिहाजा उसके आखिरी हर्फ पर हमेशा एक ज़बर या दो ज़बर आएंगे। और तय्यबन हलाल की सिफत है, लिहाजा ये अपने मौसूफ की तरह ही होंगी। तर्जुमा क्या किया जा रहा है इसका, ऐ लोगो जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा है उसे खाओ। यानी हमें ज़मीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उसे खाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट पर आप गौर करें कि यहाँ पे हलाल के साथ तय्यब का भी इस्तेमाल किया गया है। हलाल कहना भी काफ़ी होता है लेकिन तय्यब कहा जा रहा है, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि हर हलाल चीज़ हर शख्स के लिए तय्यब हो। जैसे अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए मीठी चीज़ें तय्यब नहीं रहेंगी, लिहाजा कहा जा रहा है कि हलाल अगरचे हो लेकिन तय्यब होना भी ज़रूरी है, पाकीज़ा होना भी ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि अगर से कोई चीज़ हलाल है लेकिन वो गंदी होने की वजह से वो तय्यब ना रहे। जैसे खाना अगर ताज़ा हो तो वो तय्यब रहेगा, हलाल रहेगा और तय्यब भी रहेगा, लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो अगरचे वो हलाल चीज़ है लेकिन वो तय्यब नहीं रही। लिहाजा अल्लाह ताला की ये कलाम की एक अच्छी बात है कि उसने एक एक लफ्ज़ को इतने अच्छे से इसमें रखा है कि हमें एक पॉइंट उससे मिलता है। तर्जुमा इसका, आए लोगों जो कुछ ज़मीन में है हलाल और पाकीज़ा है उसे खाओ। यानी हमें हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाना है और उसकी इजाज़त दी गई है। आखिरी का जो जुमला है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमली शैतानी। इन्नमा मतलब बेशक, अल खमरु कहते हैं शराब को, वा हर्फ अत्फ है इसका तर्जुमा करते हैं और से, अल मैसिरु जुआ, जुआ कहते हैं किसी भी खेल को जिसमें कुछ लोग मिलके पैसे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद एक खेल पर इस बात को वो डिपेंड होता है कि कौन पैसा जीतेगा। वा और अल अंसाब मतलब कहते हैं ऐसी चीज़ जिसे खड़ा किया जाए, यानी खड़े किए गए बुत, नसब की जमा है अंसाब मतलब बुत, ऐसे बुत जिन्हें खड़ा किया जाए। वा मतलब और, अल अज़लाम कहते हैं किस्मत के तीर। पुराने ज़माने में, ये ज़माने जाहिलियत में, लोग बुतों के सामने एक बर्तन में या एक तरकश में तीर रखते थे और उनके पास अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए जाते थे। जैसे अगर वो सफ़र पे जा रहे हैं, उनको इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें जाना चाहिए न जाने चाहिए, तो कुछ तीर उसमें रखे रहते थे और जिस पे अलग अलग तरह की बातें लिखी रहती थी, जैसे हाँ ना ये, और वो एक तीर निकालते थे और उस तीर के अंदर अगर लिखा होता था कि हाँ, तो वो समझते थे कि ये बुत ये जिसकी ये सामने ये गए हैं उसने उन्हें ये बात बताई कि हाँ उन्हें सफ़र पे जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। तो ये फ़ाल निकालना भी इसको हमारे इसमें कह सकते हैं। तो ये किस्मत के तीर, रिजसुन गंदगी, मिन फिर से हरफे जर है इसलिए उसके बाद का जो भी लफ्ज़ आएगा उसके जो भी इस्म आएगा तो उस पर वो हालत जर में होंगे और उसके आखिरी हरफ पर जेर लगेंगे, इसलिए अमली पर जेर लगा। अशैतानी शैतान, शैतान अमल का मुजाफ इलह है, लिहाजा मुजाफ इलह होने की वजह से उसके आखिरी हर्फ पर जेर आ रहा है। बेशक शराब और जुआ और बुत और किस्मत के तीर गंदगी शैतान के कामों के। तर्जुमा कहेंगे, बेशक शराब और जुआ और खड़े किए गए बुत और किस्मत के तीर शैतान के अमल की गंदगी है। यानी ये तमाम काम शैतानी अमल है और गंदगी की तरह है, लिहाजा हमें इन सब से बचना चाहिए। तो आज का सबक यहीं ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम अल्फाज समझ में आ रहे होंगे, जुमले में कौन सा लफ्ज़ किस वजह से आ रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा और कौन से लफ्ज़ पर कौन से एराब आ रहा है, कौन सा लफ्ज़ किस हालत में जा रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह पेपर पर लिख के पढ़ाऊँ तो आप मुझको बताएं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड पर लिख के पढ़ाया जाए तो भी बताएं, ताकि मुझको अगला सबक बनाने में आसानी हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिर से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।